नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। नरवे की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में है रोष। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष धरना देकर जताया रोष। मार्केट कमेटी के अधिकारियों व खरीद एजेंसी की मिलीभगत से किसानों को नहीं मिल रहा है MSP। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की रखी है मांग। किसानों ने सरकार को दिया है अल्टीमेटम, 5 अक्टूबर को अगर मांगे नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन। अब देख रहे हैं शीर्ष पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। नरमे की फसल का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने आज मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष धरना देकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष जताया। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों व खरीद एजेंसी की मिलीभगत से किसानों को 300 से 400 रुपए का चूना लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने नरमे की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए घोषित किया है, जबकि मंडी में नरमा 5,000 से 5,100 रुपए के बीच में बिक रहा है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। वहीं किसान नेता जसवीर सिंह जसा ने बताया कि सरकार ने विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य की घोषणा की है, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नरमे की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए घोषित किया गया है, जबकि किसानों को केवल 5,000 तक मिल रहा है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 5 अक्टूबर तक अगर मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करेंगे और सिरसा में बंद करने के साथ साथ मंडी के सभी द्वार बंद कर सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल की एक खास रिपोर्ट। किसान सड़कों पे है, किसान मंडियां चलाऊंगा बेटा, और मुख्यमंत्री केंद्रीय रिपोर्ट जरूर लागू करेंगे। और दोस्तों जिवे के शायर कहता, सरकार की नीच खोदा दोस्तों, और सानू लगातार जे आप गल करिए उम्मीदा ने खड़ी नहीं उतर सकती। मैं समझा कि इस सुपने है जेड़े वो सरकार और कई उम्मीद खालसा पार्टी की वजह पेंशन समर्थन मूल्य लागू किया है, जो किसानों को नहीं दिया जा रहा है। और किसानों के जो बीजेपी सरकार किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो। जो कि अभी अपने कंगवा भाग जो पिछले दिन सू मिला है उसका ही लगाइए कि जेड़े भाग अनुसार जो सरकार ने न्यूनतम मूल्य जो आज से कई दिन पहले घोषणा की थी न्यूनतम मूल्य की, आज उसी की बाबत जिले के किसान जहां धरने पर बैठे हैं। और जो 5,450 रुपये नरमे का न्यूनतम मूल्य था, तो आपको पता होगा कि आज जो नरमा मार्केट के अंदर बिक रहा है वो 5,000 से लेके 5,100 तक का रेट है उनका। तो सरासर जो 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक किसान के साथ चूना लगा रहे हैं जे मार्केट कमेटी के अधिकारी और जो फैक्ट्री वाले हैं आपस में मिल करके। और आज ये सांकेतिक धरना है हमारा, इनको सरकार को हम शुक्रवार यानी कि 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम है। अगर ये हमारी मांगे ना मानी, जो घोषित न्यूनतम मूल्य था उस पे अगर परचेज ना हुआ नरमा, तो फिर आप देखते जाना कि सरसा जिला सारा बंद करेंगे और मंडी के गेट बंद करेंगे और मार्केट कमेटी के ऊपर ताला भी लगाएंगे। ये तो याद होगा कि इन्होंने जो आज से 1.5 महीना पहले जो फसलों के न्यूनतम मूल्यों की इन्होंने घोषणाएं करी थी, आपको इस बात का ही पता होगा कि जैसे मूंग है, सब्जी है, दालें हैं और कई चीज़ें और भी हैं, हरहर है, उनका न्यूनतम मूल्य तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन मार्केट है ही नहीं, एजेंसी नहीं है खरीदने की। अब CCI की बात कर रहे हैं, कॉटन की बात करें तो CCI अकेली कितनी की नरमा खरीद लेगी। इनको सरकार को चाहिए कि जो आड़ती हैं, कच्चे आड़ती हैं, उनको ही आदेश करे भी जो 5,450 रुपये है नरमे का, वो सीधे डायरेक्ट जो है आड़तिया ही किसान से खरीदे, ताकि उनको सही इनका जो है रेट किसान को मil सके। जो ऑनलाइन खरीद की बात करें CCI द्वारा, ऑनलाइन जो बातें हैं, कागजी बातें हैं, कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है।